अरे हटा परे पानी को, क्या सोच रही सारी बात में पानी फिर गयो, जे महारानी पानी ले आई है। दीदी क्या बात है? अब बात क्या है ये तो अपने जीजा जी से ही पूछो। क्या बताएंगे तुए वो से सुन, वो दुर्गा प्रसाद जी के घर में दो दो रिश्ते हुए ना, ढोल बजा बजा कर दोनों के दोनों टूट गए। सुन क्या ना रो, विश्वास ना रो मुझे है। अरे याई के वास्ते तो उर्मिला चली गई, अब इनसे पूछ ले मैं झूठ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ है, बता है कैसी हुई है। अरे मेरे से कहते तो दोनों के दोनों रिश्ते ऐसे पक्के करवा तो पूछो मत, लेकिन नहीं साहब अपनी मनमानी कर ली तो भुगतो आप है। जी हुई जी जैसे, लेकिन बताओ साहब है कैसी अनहोनी है गई ये सोमानी परिवार। मैं तो ये बात पूछूं कि जिस सोमानी परिवार में और झोपड़ पट्टी वाले में सुसरे में अंतर का रह गया बताओ। नहीं हमारे बच्चों के साथ ये क्या हो गया जी? बहुत बुरा हुआ। तुमने वीरेंद्र को चेहरा दिया, चंद्रिका ने तो खैर लड़के वाले को फोटो लगा दिया, लेकिन वीरेंद्र और रेखा के एक दूसरे को चाहते हैं, उनका क्या होगा? क्या दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो शादी तो करेंगे ही, और फिर मेघा के घर वालों ने रिश्ते से थोड़ी इनकार किया है। नहीं राधिका, महेश जी के भाई की हकीकत जानने के बाद अब ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। तुम नहीं जानते हो भूषण भाई अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम है, और उसके परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना अब हमारे लिए संभव नहीं। मान गए चंद्रिका को, उससे बहादुर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। और नहीं तो क्या, अरे खुद ही मना कर दिया कि वो आकाश से शादी नहीं करेगी। हाँ पर वीरेंद्र भाई और मेघा की शादी तो होगी ना? ऑफ कोर्स होगी, क्यों नहीं होगी? अरे पापा की गलती की सजा बेटी क्यों भुगतेगी? आप क्या कहते हैं वीरेंद्र भैया, आगे हम तो वही करेंगे जो आप कहोगे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे वीरेंद्र भैया? आप लोग मेरी एक बात मानेंगे? जी कहिए तो सही। ये कमरा छोड़कर चले जाइए प्लीज, प्लीज लीव मी अलोन।
नहीं लक्ष्मी, अभी हमें वीरेंद्र से ज्यादा मेघा के बारे में सोचने की जरूरत है। एक डॉन की बेटी, उसके साथ रिश्ता जोड़ना तो दूर, जोड़ने की बात तक सोचना पाप। लेकिन वीरेंद्र, अरे वीरेंद्र को तो हम समझा लेंगे, लेकिन एक डॉन के रिश्तेदार बनकर हम किस किस को समझाएंगे? समाज को, बाजार को या फिर रिश्तेदारों को? नहीं लक्ष्मी, तुम इस बात का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो और इस बात का ख्याल किसी के दिमाग में आने भी मत दो। पाल ने कहा था कि उसे चंद्रिका की खबर किसी लड़की ने दी। कौन हो सकती है लड़की? पाल ने मोबाइल का नंबर भी दिखाया था। क्या था वो नंबर? 98210। हाँ, 98201 घर में बड़ी हैं। 50 बार आपसे बात हुई है, आपने कभी नहीं बताया कि सुनील जी की यह जायज नहीं बल्कि नाजायज संतान है। देखिए महिपाल जी, दरअसल बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। प्लीज आप हमारी बात तो सुनिए। सॉरी राम प्रसाद जी, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप महिपाल जी? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मेरे लिए किसी के सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये लोग जाना चाहते हैं शौक से जा सकते। चंद्रिका ठीक करिए चाचा जी, ये जाना है तो जाए ने, लेकिन यहाँ बकवास ना करें। मेघा के पापा एक अपराधी है, उनका नाम है भूषण काबरा। भूषण काबरा का संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ है महेश जी। इनसे ये पूछिए कि ये बात ये हमें अब बता रहे हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इस बात के बाद ये रिश्ता करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप घर में बड़ी हैं, 50 बार आपसे बात हुई है, आपने कभी नहीं बताया कि सुनील जी की यह जायज नहीं बल्कि नाजायज संतान है। कैसा कैसा घराना है आपका? कैसा कैसा घराना है आपका? कैसा घराना है आपका? कैसा घराना है आपका? घराना है आपका? घराना है आपका? घराना है आपका? कैसा घराना है आपका? कैसा घराना है आपका? कैसा घराना है आपका? मेरे बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है? चाचा, 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 चाचा,
डॉक्टर साहब प्लीज, हम लोग बड़ी माँ को लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आप तैयार रहिए प्लीज। मोहन मोहन एक ग्लास पानी देना जल्दी। अरे मोहन जल्दी जल्दी गाड़ी निकलवाओ, गाड़ी निकलवाओ। अरे अमित अरे अमित, हॉस्पिटल फोन किया कि नहीं कि हम लोग अभी पहुंच रहे हैं? किया ना फोन हॉस्पिटल? चलो 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 जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। नहीं राम नहीं, रुको रुको, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे मुझे कहीं नहीं जाना है मुझे। अरे राहुल एक मिनट ठहरना, पापा मैं ऊपर लेटा हूं। अमित फोन करो डॉक्टर को। हां करता हूं, पहले निशान। अरे डॉक्टर को फोन करो जल्दी पहले। अभिमा अभिमा हाँ हाँ मेरे पास से गुजरा। अभिमा आप इस वक्त बिल्कुल मत बोलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। जाए चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चंद्रिका इस घर की बेटी है भाभी माँ, और उसे अधिकार दिलाने के लिए मैं उसे गोद लूंगा भाभी माँ, मैं उसे। साथ ही